तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी टॉप चैनल की नई वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हो कि इस समय इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच पहले टेस्ट मैच का आज पांचवा दिन खेला जा रहा है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि ये मुकाबला बहुत ही रोमांचक मोड में आ चुका है, जो कि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे इस मुकाबले में कौन सी टीम जीत सकती है। इसी के साथ ही हम आपको बताएंगे इस मुकाबले को आप लाइव कहाँ पर देख पाएंगे। तो जानने के लिए इस वीडियो को हमेशा की तरह जरूर दिखे। अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस बेल आइकन को जुड़ दबाए ताकि आपको आईपीएल जुड़ी हर अपडेट मिले सबसे पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अभी तक इस मुकाबले में क्या क्या हुआ है। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था, जिसमें इंग्लैंड की टीम ने पहले इनिंग में 204 रन बनाए थे। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि पहले इनिंग में हमें शानदार बॉलिंग देखने को मिली थी जेसन होल्डर की तरफ से। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जेसन होल्डर ने वेस्टइंडीज टीम की तरफ से पहले इनिंग में 6 विकेट लिए थे, जिसके बाद हमें शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली थी वेस्टइंडीज टीम की तरफ से। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि वेस्टइंडीज की टीम ने टेस्ट मैच की पहले इनिंग में 300 रन का आंकड़ा पार कर दिया, जिसके बाद से वेस्टइंडीज की टीम इस मुकाबले में बहुत ही आगे बढ़ गई। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि वेस्टइंडीज की तरफ से इस मुकाबले में हमें शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली ब्रैथवेट की तरफ से। दोस्तों हम आपको बता दें कि इस मुकाबले में उन्होंने 65 रन बनाए, जबकि इसके अलावा हमें शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली रोशन चेस और डेवज की तरफ से। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि रोशन चेस ने पहले इनिंग में 47 रन की पारी खेली, जबकि डॉर्विच ने इस मुकाबले में 61 रन बनाए, जिसके चलते वेस्टइंडीज की टीम पहले इनिंग में 318 रन बना सकी। इसके बाद से ऐसा माना जा रहा था कि वेस्टइंडीज की टीम इस मुकाबले को बहुत ही आसान तरीके से जीत जाएगी, लेकिन जैसे कि आप लोग जानते हो कि इंग्लैंड की टीम ने सेकेंड इनिंग में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करी ताकि उस मुकाबले को जीत पाए। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि इंग्लैंड की टीम ने सेकेंड इनिंग में लगभग 300 रन का आंकड़ा पार कर दिया है, जिसमें सभी बल्लेबाजों ने बहुत ही शानदार खेल दिखाया है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि रो बंस ने इस मुकाबले 42 रन की पारी खेली, सेवलिन ने 50 रन बनाए, जो डॉन ने इस मुकाबले 29 रन बना सके, जबकि जेक कॉलिंस सबसे ज्यादा 76 रन बनाए। इसी के साथ ही बेन स्टोक ने इस मुकाबले में 43 रन की पारी खेली। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि डे 5 खेला जाएगा, जिसके बाद ये कंफर्म हो चुका है कि इस मुकाबले में हमें रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि वेस्टइंडीज की टीम चाहेगी कि इस मुकाबले को जीत जाए ताकि वो सीरीज में एक दूसरे से बढ़त बना ले। दोस्तों वही बात के इस मुकाबले के रिजल्ट के बारे में, तो दोस्तों मेरे मुताबिक ये मुकाबला वेस्टइंडीज की टीम जीतने वाली है। तो दोस्तों इसी के साथ ही हम आपको बताएंगे इस मुकाबले के लाइव टेलीकास्ट के बारे में। तो दोस्तों आप इंडिया में इस मुकाबले को देख सकते हैं सोनी सिक्स के चैनल पर, और वहीं बात करें मोबाइल ऐप पर तो आपको सही मुकाबले देखने को मिलेंगे सोनी लिप के ऐप पर। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपके मुताबिक कौन सी टीम ये मुकाबला जीत सकती है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस बेल आइकन को जुड़ दबाए ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में।